जी, मेरा नाम आदिल कयूम है। मेरा नाम मोइनुल हक। मेरा नाम उवैस जफर है। सर, मेरा नाम आरिफ कयूम है। जी, मेरा नाम मनीष कुमार है, मैं बाड़ी मरम्मत का रहने वाला हूँ। हमारे यहाँ बाड़ी मरम्मत में सबसे ज्यादा समस्या जो है वो लाइट की। जी, इस वक्त जो है सबसे बड़ा मसला हमारा यहाँ पर मरम्मत का, मान लो वो लाइट का मसला है। सबसे बड़ी हमारी प्रॉब्लम ये है कि आपको पता ही है कि हमारे जो हैं जेके बोस के 10th स्ट्रीम के 11th और 12th के एग्जाम्स चल रहे हैं, लेकिन सर हमें जो है लाइट कंटिन्यू नहीं दी जाती है। यहाँ पे सर 2-3 दिन से लाइट नहीं आ रही है। हमें हर एक मुश्किल का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी मुश्किलें जो है उनका सामना करना पड़ता है, लेकिन हमारी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो लाइट है। जी जी, जिसका हमें बहुत ज्यादा मुश्किलात जो है वो सामना करना पड़ता है, उस मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जैसे आजकल हमारे 12th या 10th के एग्जाम चल रहे हैं जेके बोस के, तो हमें पढ़ने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। जैसे कि टाइम टेबल के लिहाज से हमें 2 घंटे लाइट मिलती है और 2 घंटे मतलब जाती है, तो उन 2 घंटों में से भी हमें लाइट नहीं मिलती है। तो इसीलिए हम अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करते हैं कि हमको टाइम की लाइट दी जाए ताकि हम पढ़ सकें और अपने एग्जाम अच्छे दे सकें। आप जानते हैं कि जैसे यहाँ पर एग्जाम चल रहे हैं तालिबे इल्मों के, लेकिन जो पहले हमारा टाइम टेबल था कि 2 घंटे यहाँ पर वक्त दिया जाता था बिजली के लिए, लेकिन अफसोस की बात है कि अब जो 2 घंटा जो लाइट दी जाती है उसके दौरान भी जो है लाइट काट दी जाती है। मान लो 2 बजे लाइट का वक्त है और 3 बजे लाइट दी जाती है और 4 बजे से पहले ही लाइट ले ली जाती है। अफसोस का मकाम तो ये है, अब जिन बच्चों ने एग्जाम्स की तैयारी करनी है उन बच्चों के लिए पढ़ना तो दरकनार, वो पढ़ भी नहीं सकते हैं बिना लाइट के। तो इसलिए सबसे बड़ी बात जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी ये गुजारिश है कि इस लाइट के मसले पर गौरवखोज किया जाए और हमें 2 घंटे लाइट दी जाए, ताकि जो है हमारे बच्चे जो हैं इस वक्त पढ़ रहे हैं वो जो है एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छी तरह कर पाए। हमें टाइम टेबल है 2 घंटे लाइट देने के बाद 2 घंटे वो ले लेते हैं, लेकिन सर हमें 2 घंटों में से भी कभी कभी सिर्फ आधा घंटा ही लाइट मिलती है। तो इसीलिए हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करते हैं कि वो जो है हमारी इस समस्या को पूरा करें, ताकि हम जो है अपनी स्टडी को ये अच्छी तरह से करें और हमारे जो पेपर हैं वो बहुत अच्छी तरह से होंगे। शुक्रिया। तो इसलिए जो है कि हम वैसे भी स्टूडेंट हैं, छोटे हैं अभी, तो पढ़ना चाहते हैं, हमें पढ़ना भी है, पढ़ना ज़रूरी है जी। तो अब वैसे भी लॉकडाउन है, स्कूल बंद है, स्कूल तो जाना नहीं है जी जी, तो उसकी वजह से हमें घर में पढ़ना है। कैसे पढ़ना? फोन पे। तो फोन पे जब ऑनलाइन क्लासेस, जब गवर्नमेंट ने कहा है कि ऑनलाइन क्लासेस लेनी है जी जी, तो ऑनलाइन क्लासेस कैसे लें हम जब फोन ही चार्ज नहीं होंगे? तो ऑनलाइन क्लासेस, वैसे भी मौसम खराब है, सर्दियों का मौसम है, वैसे भी सर्दियों में तो बिल्कुल लाइट नहीं होती है, ये तो बात यहाँ पे बिल्कुल बनी हुई है, देते ही नहीं लाइट, पता नहीं क्या यहाँ पे सिर्फ है हमारे गांव में जहाँ यहाँ पे लाइट ही नहीं देते हैं जी जी। तो हम चाहते हैं कि हमें लाइट दे यहाँ पर कंटिन्यू, थोड़ा हम पढ़ पाए। तो वैसे मैंने कल, एक मेरा फ्रेंड है वो मेरे से एक क्लास छोटा है, उससे मैंने पूछा कल कि तेरा पेपर कैसा हुआ, तो वो कहने लगा कि यार कैसे पेपर होगा, मेरा लाइट नहीं थी शाम को, तो जिसकी वजह से मैं पढ़ नहीं पाया जी जी। जो मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा था जी, वो बहुत लिखा मैंने, अब मैं चाहता था कि मेरे को अच्छे मार्क्स आए इस सब्जेक्ट में, लेकिन उसे नहीं आया जी जी। उसने मतलब कि लाइट की वजह से, देखो उसका भी अब पेपर खराब हो गया। हम डीसी साहब से यही गुजारिश करना चाहते हैं कि हमें वो लाइट दें कंटिन्यू, ताकि हम पढ़ पाए, ज्यादा कर शाम को बिल्कुल लाइट चाहिए हमें। तो शाम को तो होती नहीं लाइट, वैसे भी अगर हम टार्च, हमारी जो सोलर वाली टार्च होती है वो कैसे चार्ज करेंगे जब मौसम ही ठीक नहीं है हमारा, और ऊपर से अगर वो चाहते हैं ये जो लाइट देने वाले जो होते हैं वो सोचते हैं कि हमारी तारे जो है ख़राब है, जिसकी वजह से ही टूट जाएंगी तारे फिर, तो ये कैसे होगा? तो इसलिए हमारी जो तार वगैरह है ये भी ठीक की जाए, है ना, बिजली की तार। तो बस हम यही अपील की कर सकते। नाज़रीन, अभी आपने सुना तहसील मरम्मत के इन तुलबा की गुहार, बिजली न होने के कारण किस कदर ये तुलबा परेशान है, किस कदर इन लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। एक प्रश्न यहाँ पर सामने आता है, जिला इंतजामिया हो या पीडीडी डिपार्टमेंट हो, इनके सामने बड़े ही अदब से एक हम प्रश्न रखना चाहेंगे कि आखिर क्या वजूहात हैं, क्यों इन लोगों को बिजली निजाम से महरूम रखा जा रहा है? क्या ये लोग मंथली बिल पे नहीं कर रहे? क्या पीडीडी डिपार्टमेंट के पास पूरा स्टाफ नहीं है, लाइनमैन नहीं है? अगर नहीं है तो हम जिला इंतजामिया से बड़े ही अदब से अपील करेंगे कि तहसील मरम्मत हो या कोई भी जगह हो
वहां के लिए लाइनमैन डिप्यूट किए जाएं ताकि लोगों को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। इन तालिब इलम इन जो तालिब इलम है इनकी यही गुहार थी कि बिजली जो है वो जल्द अज जल्द इन लोगों को जो है वो मुहैया की जाए, बिजली निज़ाम जो है वहाँ पे दुरुस्त किया जाए ताकि ये लोग अपनी तालीम हासिल कर सकें। इन लोगों को बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और ख़ासकर डीसी डोडा से भी इन लोगों की यही अपील थी कि जो है वहाँ पर बिजली निज़ाम दरहम बरहम है और उस निज़ाम को जो है वो जल्द अज जल्द बहाल किया जाए। इसी के साथ आप देखते रहिए द चनाब टाइम्स।